तेरी नीली नीली आंखों के इस एक्ट्रेस की बेपनाह खूबसूरती को देखकर देखने वालों के दिल में वाकई आग लग गई थी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने, अदाओं में नजाकत और बेपरवाह खूबसूरती की मिसाल रही इस एक्ट्रेस ने पर्दे पर अपने हर रंग से लोगों का दिल जीत लिया था। जाने क्यों यह अभिनेत्री थी लीना चंदावरकर, जिसकी खूबसूरती के दीवाने आम लोग ही नहीं अपनी आवाज से सुनने वालों को दीवाना बनाने वाले सदाबहार गायक किशोर कुमार भी हो गए और अपना दिल दे बैठे। आज मैं जवान हो गई हूं, गुल से गुलिस्तान हो गए। उधर लीना चंदावरकर भी तीन तीन बार शादी करने वाले किशोर कुमार की दीवानी हो गई और अपने परिवार वालों की मर्जी के बगैर किशोर कुमार के साथ सात फेरे ले लिए। मेरे दिल में जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा। लेकिन खिलखिलाते चेहरे के पीछे गम भी छिपे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले। शादी के बाद कुछ समय के लिए तो उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आई, लेकिन ये खुशियाँ अधिक समय तक टिक नहीं पाई। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। इस वीडियो में आपको उसी खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जिनकी पर्सनल लाइफ काफी ट्रेजेडी भरी रही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारावाड़ में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में ऑफिसर थे। लीना चंदावरकर को बचपन से ही फिल्में देखने और फिल्मों में काम करने का शौक था और यही शौक उन्हें बॉलीवुड की ओर खींच लाया। लेकिन फिल्मों में काम करने से पहले वह अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही विज्ञापनों में काम करने लगी थी। वहीं उन्हें एक्टर सुनील दत्त ने देखा और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। लीना की पहली फिल्म 1967 में आई फिल्म मसीहा होती, जिसमें वह सुनील दत्त के साथ डेब्यू करती, लेकिन ऐसा हो न सका और लीना की डेब्यू फिल्म मन का मीत रही, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी उनके ऑपोजिट सुनील दत्त थे। इस फिल्म को सुनील दत्त ने ही प्रोड्यूस किया था। बताया जाता है इस फिल्म के लिए सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में तैयार किया था। उस समय लीना चंदावरकर की उम्र महज 18 साल की थी। सुनील दत्त से ही मिले मौके के बाद से लीना के सुनहरे सफर की शुरुआत हो गई। फिल्मों में उन्हें सफलता मिलने लगी थी और वो नई ऊंचाइयां छूने लगी थी। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। लीना बहुत ही रूढ़िवादी सोच की थी। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों में कभी ना तो बिकनी पहनी और ना ही कभी कोई फोटोशूट करवाया। उनकी तो आंखों में ही वो जादू था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा। लीना चंदावरकर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। उनकी खूबसूरती के भी सभी दीवाने थे। लीना चंदावरकर ने उस दौर के टॉप एक्टर संग कई फिल्में की। 1970 में वे हम जोली फिल्म के जितेंद्र के ऑपोजिट कास्ट की गई। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना। इसके बाद साल 1971 लीना के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल उन्होंने शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, महमूद और राजेश खन्ना के साथ लीड रोल प्ले किया। वे जाने अनजाने, महबूब की मेहंदी, प्रीतम, रखवाला और मैं सुंदर हूँ जैसी फिल्मों में नजर आईं। उनकी कुछ और यादगार फिल्मों की बात करें तो वे अनहोनी, मनचली, अपने रंग हजार, कैद, नालायक, सरफरोश और ममता की छाव जैसी फिल्मों में नजर आईं। मेरे खोए खोए सपने भी दिल भर
कुछ फिल्मों में काम करने के बाद ही 1975 में उनकी शादी राजनैतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंडोटकर से हुई थी। उस समय उनकी उम्र महज 24 साल की थी, लेकिन किसे पता था कि एक घटना की वजह से उनकी बसी बसाई जिंदगी बंजर हो जाएगी। उनके पति को गलती से गोली लग गई थी। इसका कुछ समय तक इलाज चला, लेकिन वह मौत से जीत नहीं पाए और उनका निधन हो गया। 25 साल की उम्र में ही लीना चंदावरकर विधवा हो गई। पति के इस तरह से चले जाने के बाद वह डिप्रेशन में चली गई थी। बताते हैं कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लोग उन्हें ताने मारने लगे थे। कुछ लोग उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने करीबियों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह एकदम अकेली पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया था। लीना की ऐसी हालत देख उनके पिता उन्हें घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह फिर से इंडस्ट्री में वापसी करेंगी। उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। उनके जीवन में किशोर कुमार के रूप में प्यार ने एक बार फिर दस्तक दी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने पिता को किशोर कुमार के बारे में बताया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने दोनों के रिश्ते का विरोध किया। लीना चंदावरकर के पिता नहीं चाहते थे कि वह एक ऐसे इंसान से शादी करे जो 3 बार शादी कर चुका हो। हालांकि तब तक किशोर कुमार का अपनी तीसरी पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ था। किशोर कुमार को जब पता लगा कि मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली लिव इन में रहने लगे हैं, तो उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने मिथुन के लिए प्लेबैक देना बंद कर दिया। उन दिनों किशोर कुमार की आवाज के लिए हर हीरो जान देने को तैयार रहता था। जैसे ही मिथुन को पता चला कि किशोर कुमार ने उनकी फिल्म में गाने से मना कर दिया है, वे फौरन किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए। किशोर कुमार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें प्लेबैक दूंगा, तुम योगिता को डाइवोर्स देने के लिए राजी कर लो। कहते हैं इसके तुरंत बाद योगिता ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। फिर किशोर कुमार एक दिन शाम को लीना चंदावरकर के पेरेंट्स से मिलने धारवाड़ स्थित उनके घर पहुंच गए। लीना चंदावरकर के पिता श्रीनाथ चंदावरकर किशोर कुमार से बेअदबी से मिले। किशोर कुमार ने उन्हें मनाने के लिए गाना गाना शुरू किया। पूरी फैमिली जमा हो गई। सारी रात किशोर कुमार गाना गाते रहे। अंत में सुबह होने से पहले उन्होंने गाना गाया, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। वैसे तो आर्मी अफसर होने के नाते लीना चंदावरकर के पिता थोड़ा ज्यादा सख्त थे, लेकिन किशोर कुमार की कोशिशों और गाने से उनका दिल पिघल गया और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इस गाने को सुनने के बाद श्रीनाथ चंदावरकर ने उठकर किशोर कुमार के हाथ पकड़कर कहा, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इसके बाद लीना चंदावरकर 1980 में अपने से 20 साल बड़े किशोर कुमार से शादी कर उनकी चौथी पत्नी बन गई। वह दोबारा फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर किशोर कुमार ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब रानी बनकर रहो। इसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम सुमित कुमार है। लीना चंदावरकर किशोर कुमार के साथ बेहद खुश थी, लेकिन एक बार फिर उनकी खुशियां काफूर हो गई जब 1987 में शादी के महज 7 साल बाद ही किशोर कुमार का भी निधन हो गया। 37 साल की उम्र में वह फिर विधवा हो गई, लेकिन वह मानती हैं कि उन 7 सालों में वो किशोर कुमार के साथ बस हंसती रही। वो उनका पूरा ख्याल रखते थे और खूब हंसाते थे। 70 के दशक की मशहूर और बेहद सुंदर अभिनेत्री लीना चंदावरकर आज 71 साल की हो गई हैं। वह बेटे सुमित कुमार और सौतेले बेटे अमित कुमार के साथ मुंबई में रह रही हैं। किशोर कुमार का बड़ा बेटा अमित कुमार अपनी सौतेली माँ लीना चंदावरकर और भाई सुमित कुमार का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लीना चंदावरकर के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।